जाट कॉलेज के समीप अखाड़े में हुई गोलीबारी में 3 कोच और 2 महिला पहलवानों की हत्या हो गई। हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 1,00,000 रुपए का इनाम रख दिया है। यह जानकारी रोहतक SP राहुल शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दी। मीडिया से रूबरू होते हुए SP ने कहा कि मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह जाट कॉलेज में रेसलिंग कोच के तौर पर कार्य करता था, परंतु शिकायत पर उसको सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी रंजिश के चलते यह वारदात हुई है जिसमें 5 आदमियों की मौत हो गई है। पुलिस द्वारा आरोपी की जांच की जा रही है और मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह पर पुलिस द्वारा 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया है और जो भी इस आरोपी के बारे में जानकारी देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। SP राहुल शर्मा ने कहा कि फिलहाल मुख्य आरोपी सुखविंदर की पुलिस तलाश कर रही है, परंतु इसके साथ अन्य आरोपियों के होने की भी बात से नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल हरियाणा के DGP के निर्देश पर रोहतक पुलिस व STF की टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल शाम को लगभग 8 बजे के करीब हमारा जाट कॉलेज के जिम्नेजियम हॉल में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 5 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और 2 व्यक्ति जिनके ट्रीटमेंट चल रहा है PGI रोहतक में और 1 व्यक्ति रेफर हो चुका है MediCity गुड़गांव में। अभी तक की जो हमारी प्राइमा फेसी जानकारी एकत्रित हुई है वो ये हुई है कि ये जो 5 व्यक्ति थे ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन थे, कुछ कोचिंग का काम करते थे, कुछ स्पोर्ट्स बेसिस पे रेलवेज और अन्य विभागों में सर्विस करते थे। जो हमारा मेन अक्यूज्ड है सुखविंदर, वो भी रेसलिंग कोच है जो कुछ दिनों से जाट कॉलेज के जिम्नेजियम में रेसलिंग कोचिंग का काम कर रहा था और कुछ कंप्लेंट्स आने की वजह से उसको जो मेन DPI थे जाट कॉलेज के मिस्टर मनोज मलिक, उन्होंने उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया था। प्राइमा फेसा ही यही पता चला है कि इसी रंजिश की वजह से उसने कल यहाँ पर आके इस घटना को अंजाम दिया है। ये बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर क्राइम का। इसमें हमारी रोहतक पुलिस की, STF की और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस भी इस इंसिडेंट को और इस एक्यूज को नैप करने के लिए लगातार एफर्ट्स कर रही हैं। DGP हरियाणा ने इस इन्वेस्टिगेशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे ADG रेंज और बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और DGP हरियाणा ने इस एक्यूज पर 1,00,000 का इनाम ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और मेरी सभी से आपके माध्यम से अपील है कि अगर इस व्यक्ति की कहीं भी कोई सूचना मिले तो वो रोहतक पुलिस के मेरे मोबाइल नंबर्स पर DSP सांपला और श्री नरेंद्र कादियान और DSP रोहतक श्री विनोद कुमार, SIT में दोनों DSPs को और हमारे क्राइम यूनिट्स को, CIA की टीम को, डिटेक्टिव की टीम को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोवाइड करें। हम उनका नाम गुप्त रखेंगे और उनको उचित इनाम प्रोवाइड करवाएंगे। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो एकत्रित सूचना है वो यही है कि एक एक्यूज था, लेकिन इसमें अन्य एक्यूज की इन्वॉल्वमेंट से अभी मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसको पकड़ के उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। और अभी उन 5 व्यक्तियों का जो कल रात के इंसिडेंट में डिसीज हुए हैं उनके पोस्टमार्टम और अन्य प्रोसेसेस चल रहे हैं। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स मौका वारदात से अलग अलग सबूतों को, साक्षियों को एकत्रित कर रहे हैं। हम CCTV फुटेज भी कलेक्ट कर रहे हैं और आसपास के जो भी कैमराज की फुटेज आएगी उसको एकत्रित करके एविडेंस के रूप में इस केस इन्वेस्टिगेशन में किया है। सर, मरने वालों के क्या नाम है और क्या जानकारी ले सकते हैं? फाइल सर एक बार बता दें। देखिए, जो मेन है मिस्टर मनोज मलिक, वो यहाँ पर DPI थे जाट कॉलेज में। उनकी वाइफ मिसेस साक्षी मलिक हैं, वो रेलवेज में सर्विस करती थी। उनका बेटा है, वो अभी माइनर है, वो अभी इंजर्ड है और उसका PGI में अंडर ट्रीटमेंट है, वो 4 साल का छोटा बच्चा है। उसके अलावा सतीश कोच हैं जिनको, जो यहाँ पर कोचिंग का काम करते थे। उसके अलावा हमारे जो एक प्लेयर थी मथुरा की रहने वाली थी और वो यहाँ पर प्रैक्टिस करती थी, उनकी डिटेल्स हम एकत्रित कर रहे हैं कि वो जाट कॉलेज की स्टूडेंट थी या फिर यहाँ पर सिर्फ कोचिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी।
तो ये अभी तक हमारी तफ्तीश ने क्या निकाला है आगे सामने। जिस तरह से कल हमसे बात हुई है सुखविंदर की सुबह 7 बजे जी, तो सुखविंदर ने जिस तरह से कहा कि जो हिस्सेदारी को लेकर उनका कुछ मनमुटाव था मनोज मलिक के साथ, क्योंकि ये था तो जाट कॉलेज का अखाड़ा लेकिन इसमें प्राइवेट बच्चे भी प्रैक्टिस करते थे जिनसे फीस ली जाती थी। देखिए अभी क्योंकि मनोज मलिक ऑलरेडी एक्सपायर हो गए हैं और सुखविंदर हमारी कस्टडी में आया नहीं है, तो इस समय मोटिव या कोई कारण पक्की तौर पे कह पाना इस समय मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। वो इन्वेस्टिगेशन जांच का विषय है और जैसी कोई चीज सामने आएगी वो आपको जरूर बताएगा। सर कोई आई विटनेस मिला पुलिस को? कितने राउंड कोई आई विटनेस मिला पुलिस को? देखिए आई विटनेसेस अभी कोई सामने नहीं आया, लेकिन जैसे हमें फीडबैक है वो ये है कि वहां पर कई आई विटनेसेस होने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। सर कितनी जगह बोले सब मर्डर सस्पेंस क्या हो सकता है? राउंड गोलियां चली हैं सर। हमें मौके से कुछ खाली कारतूस वगैरह बरामद हुए हैं, उन लोगों का पोस्टमार्टम चल रहा है जो 5 डिसीज्ड हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही ये कहा जा पाएगा कि बुलेट इंजरीज उनके कितनी हुई हैं, और उससे पहले ये कह पाना कि कितनी गोलियां चली हैं वो मुनासिब नहीं है। क्या सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है? अभी हमारी टीम्स इकट्ठी कर रही हैं, दे आर जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी टीम्स अलग अलग पॉइंट्स की एकत्रित कर रही हैं, जो भी फुटेज आएगी वो जरूर। सर FIR में कई और लोगों पर भी शक जताया है मृतक के भाई। देखिए वो हम भी कह रहे हैं कि इस घटना में एक या एक से ज्यादा की इन्वॉल्वमेंट को अभी हम इनकार नहीं कर रहे। अभी जो प्राइम एक्यूज है वो सुखविंदर है, उसके अलावा जो भी एक्यूज होगा उसको भी नैप किया जाए। देखिये क्योंकि जो लोग मीटिंग में थे 5 उनमें एक्सपायर हो चुके हैं, सुखविंदर फरार है और 2 व्यक्ति, एक छोटा बच्चा है और एक व्यक्ति अंडर ट्रीटमेंट है, तो मौके पर जो भी नेगोशिएशंस थी या उसने बाहर से आके हमला किया है वो इस समय बता पाना मेरे लिए उचित नहीं होगा, वो हमारी जांच कर। सर जिस तरह से रोहतक में जिस तरह वारदात हुई है आरोपी फरार हो गया, क्या पुलिस की नाकेबंदी नहीं थी क्या? देखिए जैसे हमारी टीम्स इसमें काम कर रही हैं तो हमारे पास इस समय कई तरह की इंफॉर्मेशन है जो इस समय मैं इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन होने के नाते शेयर नहीं कर पाऊंगा कि ये इंसिडेंट कितने बजे हुआ है, कब पुलिस को इंटीमेशन आई है, कब हमारी टीम मौके पर पहुंची है, क्योंकि अगर हम हमारे कंट्रोल रूम के लॉक के हिसाब से चलें तो 8:10 पर हमें कॉल आई है और लगभग 8:30 तक हमारी सभी टीम्स मौके पर और डिस्ट्रिक्ट सील कर दिया गया था। अब इंसिडेंट कब हुआ है वो मेन एक्यूज के नैब होने के बाद ही पता। अच्छा एक गोली तो शायद एनकेजे की उधर मारी गई ना, एक को जो घायल है उसे? देखिए वो घायल की अभी हमारी टीम स्टेटमेंट लेने के लिए गई हुई है, तो जैसे ही वो स्टेटमेंट देगा उसके बाद क्लियर होगा। बच्चा अभी क्रिटिकल है लेकिन हमारी PGI प्रशासन से भी बात हुई है, जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटीज उस बच्चे को दी जा सकती हैं वो उसको दी जा रही हैं, और मेरी ईश्वर से भी कामना है और अपनी PGI की टीम पर भी हमें पूरा भरोसा है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल बच्चे के लिए होगा वो किया जाए। जब तक मेन एक्यूज नैब नहीं हो जाता है तब तक मेरे लिए मोटिव क्या पाना सामने उचित भी नहीं होगा और मुनासिब भी नहीं। सर मर्डर सीक्वेंस कुछ लग रहा है सामने, क्राइम सीक्वेंस शायद सीक्वेंस को एस्टैब्लिश कर पाए वो, हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स मौके पर है, जैसे ही वो होगी व्हील शेयर। नहीं मैं इस मौके पर ये बात नहीं कह पाऊंगा कि वो बैठक में था या बाहर से आया था या उसको बुलाया गया था, इस समय हमारे लिए ये कह पाना। क्या वो सस्पेंड हुआ था इस वजह से मीटिंग चल रही थी, मीटिंग का क्या पर्पस था? मैडम मीटिंग थी या बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि वो बेसिकली रूम्स है जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं और चेंजिंग रूम्स है, तो वहाँ पर वो मीटिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस करने के बाद फ्रेश हो रहे थे, क्या कर रहे थे, इस समय हमारे लिए उचित नहीं होगा। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि गोहाना का जहाँ का वो रहने वाला था वहाँ पर उसके पास कोई लाइसेंस वेपन नहीं था, इशू नहीं था पुलिस के रिकॉर्ड में, वहाँ नहीं मिला है, और जैसे ही वो नैब होगा तो सर आप उनके परिवार के लोगों से मिलकर आए हैं पोस्टमार्टम, उन्होंने अपनी सुरक्षा पर जो है सवालिया निशान उठाया कि वो सभी कुछ जानता था कि उनको खतरा है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को टारगेट ना करें, उस पर क्या कहेंगे?
परिवार की सुरक्षा, जैसे मैं वहाँ पर भी उनको आश्वासित करके आया हूँ कि हमारे लिए एक अहम इशू है और हमारी एक अहम जिम्मेवारी है कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाना हमारे, क्योंकि इस इंसिडेंट में कुछ लोग, कुछ परिवार सोनीपत रहते हैं, कुछ झज्जर रहते हैं। मेरी ऑलरेडी दोनों डिस्ट्रिक्ट एसपी से बात हो चुकी है और जहां पर भी उनको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी और उनकी डिमांड होगी वो हम अप्रोप्रिएट असेसमेंट करके उनको प्रोवाइड करेंगे। सर, आरोपी सवाल ये है कि क्या परिवार ने, आरोपी के परिवार ने उसको जायदाद से पहले बेदखल कर दिया था? देखिए, वो एक कुछ मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है एक डॉक्यूमेंट, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर कुछ आएगी सूचना, क्योंकि अभी ये केस इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो जैसे ही कुछ आएगा। एसपी सर, इस तरह का जो साइलेंट मोटो होता है, इसके बारे में पुलिस भी क्या कर सकती है? निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है, पुलिस ने कॉल ट्रैकिंग के हिसाब से कहां तक एक्यूज्ड के पास पहुंची है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इससे हमारी तफ्तीश प्रभावित होगी, तो ये मैं अभी शेयर नहीं कर। ये पूरा भरोसा है कि ये जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरी हरियाणा पुलिस, रोहतक पुलिस और हमारे पड़ोसी जिलों की पुलिस और इवन हमारी दूसरी स्टेट पुलिस, जिनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, इस इशू को और इस एक्यूज को जल्दी ही जो कानूनी प्रक्रिया में हम लेके हैं। सर, 7 लोगों पे फायर किया गया है, एक से ज्यादा वेपन यूज किया होगा ऐसा लगा? अभी क्या पाना मुश्किल होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में जब उनकी बैलिस्टिक रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही ये कहा जा पाएगा कि ये सभी राउंड्स एक वेपन से फायर हुए या मल्टीपल। सर, एक बड़ा सवाल है सर कि ये जो लड़की जिसकी वजह से सामने से उसको निकाला गया, सामने सर उधर बता देंगे सर, जिस लड़की के वजह से कंप्लेंट हुई थी, क्या वो लड़की पूजा है या कोई और है? ये अभी हमें पता चला है कि कोई लड़की की कंप्लेंट हुई थी, कंप्लेंट उसकी किस लेवल पर हुई थी, किस अधिकारी के पास हुई थी, रिटन कंप्लेंट थी, वर्बल कंप्लेंट थी, ये जांच का विषय। सर, एक सवाल और सर, सुखविंदर को कब हटाया गया था? क्योंकि जैसा आपने कहा कि उसको हटा दिया गया था, और वो कल भी मौजूद था वहाँ पर, कल रात वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, उस समय कॉलेज का जो रिकॉर्ड है वो सारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव काम उनका बंद हो चुका था। अभी हमारी टीम्स कॉलेज प्रशासन और मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं कि क्या इसको कोई रिटर्न में अपॉइंटमेंट दी गई थी, कॉन्ट्रैक्ट था या क्या था, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया था, वो हम उनसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, इसको रिटर्न में कन्वे कर दिया गया था कि आप हटाए जा रहे हैं या वर्बली कम्युनिकेट किया गया था, वो हम सारी इन्फॉर्मेशन सुखविंदर के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, जैसे मैंने बताया कि वो हम रिकॉर्ड अभी एकत्रित कर रहे हैं कि कंप्लेंट रिटर्न में थी, वर्बल थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया, किस तरीके की कंप्लेंट थी वो, एज ऑफ नाउ हमें रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं है, तो मेरे लिए बोल पाना ठीक है सर। क्या बच्चे को डायरेक्ट बुलेट इंजरी तो नहीं है या? देखिए, बच्चा ट्रीटमेंट में है, तो हमने भी बच्चे को कोई क्योंकि तो उसका, बच्चे का हेल्थ जो है वो हमारे लिए नंबर वन प्रायोरिटी है, और तो वो बच्चे को अभी हमारी किसी टीम ने या डॉक्टर्स ने वो नहीं किया, डॉक्टर्स उससे डील कर रहे हैं, लेकिन हमने उस बच्चे के साथ कोई इंटरेक्शन या बच्चे के साथ कोई मुलाकात या उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, डॉक्टरों से बात हुई है सर, कोई डायरेक्ट बुलेट इंजरी है या वैसे ही? बच्चा अंडर ट्रीटमेंट है, हमने उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स को अननेसेसरीली डिस्टर्ब करना इस समय हमारे लिए ठीक है। थीक 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 ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.